सबसे फर्स्ट पॉडकास्ट जो अपने रिकॉर्ड किया था वो तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था अच्छे से। अरे भाई बकवास, प्रोफेशनलिज्म तो कुछ नहीं, डिसेंट भी नहीं था शायद। हम लोग कितने 2 घंटे बात कर रहे थे ना शायद। हाँ, हम लोगों ने 2 घंटे बात किया था और सिर्फ मेरी आवाज रिकॉर्ड हुई थी, तुम्हारी आवाज भी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। हाँ, मेरे चैनल पे जो था ना, मेरे चैनल पे तो वो तो मैंने पूरा मतलब एडिट करते हुए पूरा दिन निकल गया था। मैं हिला ही नहीं था पीसी के ऊपर, एडिट कट 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 करके, फिर वो ग्राफिक, फिर बैकग्राउंड, फिर मेरा वो मेरे कैरेक्टर, फिर तेरा कैरेक्टर, तेरे कैरेक्टर का भी आधा हाथ छिल गया था, पीएनजी का इमेज ही नहीं मिल रहा था। इसकी बात कर रहे हो क्या जो अपन लोगों ने खेला था गेम, एनिमे क्विज वाला? हाँ, गिनतो की तेरा कैरेक्टर है ना। हाँ, गिनता में भी देखना बाकी है। लाइफ ही ऐसे, अभी टाइम ही किधर मिलता है देखने का। हाँ, मेरे दोस्त लोग भी शादी में लगे, बीबियां बीबियां हैं सब, गालियां देते हैं बीबियों को। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, मैं भी अपना इंट्रो देता हूँ। अभी स्टार्ट करेंगे? अच्छा, मतलब अभी तक जो किया वो तो रहेगा स्टार्टिंग में। अच्छा ठीक है, उसके बाद इंट्रो आएगा, ये मेरा पॉडकास्ट का स्टाइल है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं बाका बॉय लौट आया हूँ एक और नए बाका बॉय पॉडकास्ट के साथ। मैं जानता हूँ कि काफी टाइम हो गया है लास्ट पॉडकास्ट को आए, और मुझे पता कि आप लोग भी इस सीरीज को काफी मिस कर रहे होंगे। तो फाइनली बाका बॉय पॉडकास्ट वापस आ चुका है, और विदाउट फर्दर डू हमारे साथ हमारे इस चैनल के फेवरेट गेस्ट फिलहाल मौजूद है। प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। सो हेलो, व्हाट्सअप गाइस, नूजी टू बी हियर। आज मैं आया हूँ बाका बॉय के चैनल पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में, और हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले। सो लेट्स बिगिन। ऑलरेडी बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं जब रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। काफी चीजें हो गई है, तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आज से ज्यादा बातें तो ऐसे ही कर लिया ऑफलाइन। हाँ, ज्यादा ही बातें, पर अभी भी हमारे पास काफी कुछ है बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग काफी टाइम के बाद ऐसे बात कर रहे हैं। मैं तो ऐसे करके 2 घंटे तक भी बात कर सकता हूँ, और हम करेंगे 2 घंटे तक बात। घर वाले बाहर निकाल लेंगे। लास्ट टाइम उन लोगों ने कब किया था कोलैब? लास्ट वीडियो कौन सा था अपना? काफी टाइम हो गया अभी तो। देखा से वो वाला पॉडकास्ट था, मैं तुम और एनिमे लवर थे ना, जिसमें हम लोगों ने फौजी की बात की थी। तब एनिमे शायद एनिमे कैरेक्टर गेस कर रहे थे हम लोग। वही वाला था क्या? याद नहीं, वही था ना। हम लोगों ने इतने सारे कोलैब किए। वो स्पाइक स्पीगल, उसको नहीं पता था फिर, अभी उसका बाय द वे नाम चेंज हो गया। हाँ, मैंने बोला था उसको, रिकमेंड किया था। हाय, क्योंकि एनिमे लवर सर्च करने बाद ना उसका नाम कभी आता ही नहीं था, तो मैंने बोला कि ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन इससे चैनल को अफेक्ट पड़ रहा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जने जो लोग सर्च करते हैं देखने के लिए कि ये यूट्यूबर फिलहाल क्या कर रहा है, और उसका चैनल नहीं दिखेगा तो ऐसे, तो इसलिए उसने भी चेंज किया। और अच्छा क्या, अच्छा नाम रखा है। और बोलते ना, ये एनिमे लवर नाम भी बहुत ऐसा था कि किसी का भी हो सकता है, किसी क्लिप अपलोड करने वाले का भी हो सकता है। पर थोड़ा अभी उसका नाम, पर थोड़ा अभी एनिमे से रिलेटेड ही कौन सा तो ऐसा मेरे को तो लगता है नाम रखना चाहिए था। मैंने भी थोड़ा मेरे चैनल के साथ ऐसा लग रहा है गलती की, लेकिन अभी जाने दो, जो हो गया सो हो गया। सही है, एनिमे एक ही चीज से ज्यादा नहीं है रहने का। मैंने ये बाका बॉय रखा, लेकिन बाका बॉय सिर्फ एनिमे का नहीं, ऐसा मतलब नाम से ऐसा लगता है किसी का भी हो सकता है। हाँ, चैनल को पर्सनैलिटी होनी जरूरी है। हाँ, वो भी है। उसने बाय द वे गाना भी अभी एक अपलोड किया था एओटी के एंडिंग के ऊपर। एंडिंग मैंने ओपनिंग वाला सुना, एंडिंग वाला नहीं सुना मैंने। मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, लेकिन वो उसने क्या बोलते हैं डब करके खुद की मतलब एंडिंग बना दी। म्यूजिक में तो एक्सपर्ट है वो। म्यूजिक से ज्यादा सिंगिंग रैपिंग उसमें जरा एक्सपर्ट है। हाँ, उसको इंटरेस्ट भी उसी में, इंटरेस्ट तो ऐसा ही रहता, चेंज होता रहता है आज इसमें कल इसमें। वो तो है ही, लेकिन है ना, डेडिकेटेड चैनल एक ही चीज पर रहता है ना, उसका नुकसान यही है कि इंटरेस्ट चेंज हो गया ना, तो फिर ऐसा लगता है कि मैं इसके ऊपर क्यों वीडियो बना रहा हूँ अगर मेरे को इस पे इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा भी बीच में ऐसे हो गया था, इसलिए मैंने अभी सोचा है कि अब मैं धीरे धीरे करके अपना चैनल का ना ये चेंज कर रहा हूँ। अब बीच बीच में एनिमे का तो डालते रहूंगा, लेकिन साथ साथ में बाकी चीजें भी, बहुत पहले से मैं बीच ड्रामा वगैरह का तो डालने लगा था, पर अब मैं और फ्रीक्वेंटली बाकी सारी चीजें डालने लगूंगा। मेरा भी ऐसे ही मन था अभी प्रोएक्टिव करके, लेकिन पहले ज्यादा एनिमेशन भी सब नहीं आता था। अभी थोड़ा मैंने वेक्टर इमेजेस थोड़ा बनाने को आता है, फोटोशॉप भी अभी मैं मतलब तो पता है फोटोशॉप भी, लेकिन वेक्टर इमेज ज्यादा बनाने में इंटरेस्ट मेरे को आ गया था। और अभी एनिमेशन ट्राई कर रहा था, लेकिन बहुत डिफिकल्ट लगा मेरे को। हैट्स ऑफ टू द एनिमेटर्स, ऑल ऑफ देम, कैसे करते हैं भाई। शाउट आउट सारे एनिमेटर्स को दुनिया के। हम लोग क्या बाय द वे शाउट आउट देंगे हम लोग। वो लोग बड़े शाउट आउट फ्री है, किसी को भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है। शाउट आउट टू प्यूडीपाई, शाउट आउट टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।
भाई नरेंद्र मोदी के तो मीम बनाए जा रहे खुलेआम। बेचारे कभी क्या बोलते पप्पू के ऊपर भी इतना कभी मीम नहीं बनाए रहेंगे जितना मोदी के ऊपर अभी बनाए। और एक ने तो पूरा अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही पूरा डब कर दिया, वी ओम करके कुछ तो नाम है वो के वीडियो चैनल का, और उसने पूरा मतलब जो एडिटिंग की है ना खतरनाक एडिटिंग की है। लास्ट वीडियो वैसे बहुत खतरनाक था तुम्हारा। हाँ जरा लास्ट में थोड़ा ऑफ द टॉपिक ही गया ऐसे लग रहा है मेरे को अभी। नहीं मेरे को बहुत पसंद आया, सही था, अच्छा था। बस उसका थंबनेल, उसका क्या मतलब, जो भी ऐसे वीडियो रहते ना जो मतलब तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड है, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम उसके थंबनेल को थोड़ा और अलग कर सकते हो, थोड़ा और ऐसा और क्लिकेबल थोड़ा, क्योंकि एनिमी वाला तो क्या हम लोग को आदत है बनाने की, तो वो तो ऐसा लगता है कि अच्छा अच्छा। ये मामले में मैं थोड़ा पीछे ही हूँ, मतलब पता नहीं चलता कि कैसे बनाओ करके थोड़े। तो जरा बीच में माइनक्राफ्ट का बना रहा था तो माइनक्राफ्ट का थोड़ा आता था कि बाबा हाँ ये ऐसा डालूंगा, वो ब्लेज रॉड के रिलेटेड था ना तो वसूली भाई का डाला था, वही वसूल किया ब्लेज रॉड उससे, तीन चार बार मर के फिर वहां पे एक ब्लेज रॉड मिला, मतलब गया तेल ले दे मेरे को जाके फायर पोशन बनाने दो, मैं फिर बाद में आके तुम लोग से दो दो हाथ करूंगा। माइनक्राफ्ट पे इतना अच्छा लग रहा था, छोड़ दिया माइनक्राफ्ट बनाना। हाँ अरे नहीं रे, उसमें कैसा रहता था टाइम देना पड़ता था माइनक्राफ्ट में, वो फिर विलेजर को ब्रीड। अभी भी मैं खेलता हूँ माइनक्राफ्ट बाय द वे, मैं अभी 1.18 का आया ना अपडेट तो खेलता हूँ ना। हाँ। मेरे को एक है ना मतलब ऐसा माउंटेन मिला है और एकदम ये पूरी ऐसी खाई मिली है, और उस खाई में मेरे को मतलब पानी भी रहता है ना तो ग्लो स्क्विड आते हैं, फिर है ना ये भी मेरे को जियोड भी मिला है, मेथस क्रिस्टल था वो भी मिल गया, फिर जरा डायमंड्स भी थे थोड़े, और ऐसे करके मिल गए मेरे को, खदानी मिल गई एक तरह, और नीचे स्पाइडर स्पॉनर भी मिला था तो उसको मार मार के एक्सपी फार्म बना दिया, और तो उस वजह से जरा अभी थोड़ा चल रहा है, अभी विलेजर्स को ब्रीड करना है। एक्सेलेटर पकड़ा क्या? वो पकड़ा वो जरा, लेकिन दूर जाके मिला, लश केव रहती है ना वो मतलब ऐसे उधर ऐसे मिला था, और वो भी एक्सीडेंटली मिला था, मैं कूद कूद के जा रहा था सीधा वो क्रैक में ही गिर गया, और लकीली नीचे पानी था वरना, और एक ब्लॉक का ही पानी था। मेरे को माइनक्राफ्ट देखना इतना पसंद है ना, पर मैं आज तक एक भी बार खेला नहीं, मैंने खेल ही नहीं पाया। खेल लो अभी, पीसी एकदम अच्छा बनाएगा, और बाय द वे फेस कैम भी मस्त था तेरा वीडियो। कौन सा? अबे भाई फेस कैम का तूने अभी डाला था हाथ पे स्नोबॉल का माइक पकड़ के, ब्लू बॉल या क्या है? लाइव स्ट्रीम था। हाँ, वो मेरा लाइव स्ट्रीम, वो फेस कैम ही हो गया ना तेरा। फेस कैम तो मैंने पहले ही बनाया है। हाँ पर ये वाला भी जरा अच्छा लगा थोड़ा। वही मेरे भी यही कोशिश है कि धीरे धीरे स्ट्रीमिंग चालू करूंगा मैं, और मैंने और भी सोचा है कि जैसे कि ना अभी मैं बहुत सारे ऐसे कंटेंट देख रहा था यूट्यूब पे जो कि अपने चैनल कर सकता हूँ, जैसे कि अलग अलग चैलेंज लेने का कि एक महीने में या चार महीने में कोई नया लैंग्वेज, जैसे ही मैं अभी सोच रहा हूँ पहला एपिसोड बनाऊंगा कि मैं एक महीने में जापनीज सीखने का ट्राई करूंगा, कितना सीख पाता हूँ, फिर उसको पूरा वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा पूरी प्रोग्रेस को, या फिर व्लॉग भी बनाऊंगा मैं, ये सब सोचा है मैंने अभी अपने चैनल के लिए। मैं मेरे चैनल के बारे में सोच, अभी तो इंटरव्यू देने में ही पूरा दो महीना गया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़े शॉर्ट्स आ गए हैं ना फिर, तो उसमें जरा छोटे छोटे AMV डाल दूंगा, और फिर है ना थोड़ा अपने क्या कहते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर जरा ज्यादा ध्यान दूंगा, और थोड़ा क्या कहते हैं कैरेक्टर को ऐसा रिलेटेबल बनाऊंगा मुंह हिलाते हुए, उतना तो एनिमेशन एटलीस्ट सीख सकता हूँ मैं। ये तो मैंने रियलाइज किया है कि ना आपको टाइम पास का, जैसे आप बोल रहे हो ना कि AMV अपलोड करने का, अगर बोलते ना पूरा इंटरेस्ट नहीं ना किसी चीज में तो सिर्फ टाइम पास के लिए सिर्फ अपलोड होना चाहिए ना, उसके लिए कुछ नहीं करने आए। और मैं भी अभी तक मैंने बिना स्क्रिप्टिंग के सारी वीडियोस बनाए, तो मैं अभी भी से सोच रहा हूँ कि ना एकदम बैठ के आराम से एक दिन लूंगा या आधा दिन लूंगा, लेकिन आराम से सोच के स्क्रिप्टिंग करूंगा। मेरे से नहीं होता, मतलब कैसे बोलते हैं ना ऐसे ही करके बोल देने का ना नहीं होता, स्क्रिप्ट मेरे को अभी लगती है थोड़ा थोड़ा, मतलब पहले आदत नहीं होती थी लेकिन अभी लगती ही है। मैंने अभी इंटरव्यू वीडियो वैसे ही किया, मतलब स्क्रिप्टिंग पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही पूरा स्क्रिप्ट बनाया था, नहीं तो मैं मेरा पूरा बुक भर गया था अभी स्क्रिप्ट का, तो इतने वीडियोस बनाए कि भाई पूछो मत। अच्छा भी लग रहा था ना, स्क्रिप्टिंग रहता था ऐसा पूरा ऑर्गेनाइज लगता है, अपने थॉट्स भी पूरा ऑर्गेनाइज रहते हैं। मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ फिर भूल जाता हूँ कि क्या बोल रहा था, फिर एडिटिंग के टाइम पे उसका सेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। इमोशंस भी वैसे रहने चाहिए, मतलब निकलने चाहिए, नहीं तो अभी पढ़ते टाइम है ना कैसे हम लोग पढ़ते कि हाँ भाई वेल हेलो व्हाट्स अप गाइस NoozyTube हियर एंड वेलकम टू माय चैनल, ऐसा करके फिर रीड देख देख के पढ़ते हैं ना,
नहीं तो अभी नॉर्मली ऐसे बोल दो ना, हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्नूजी टू हियर, आज हम लोग बात करने वाले हैं रोमांस एनिमे के बारे में, ये फट से ऐसे बोल के हो जाता है। और जोक्स अगर अपने लोग ने स्क्रिप्टिंग किया गया तो अपने लोग जोक्स भी डाल सकते हैं। हाँ, वो जोक मैं कभी जोक्स भी सोच सोच के डालने पड़ते हैं। मैं कभी जो मैं अपने वीडियोस को फनी नहीं बना पाता क्योंकि मैं सब ऑन द स्पॉट बोलता हूँ, तो मेरे मन में उस टाइम पे कुछ जोक ऐसा रहता ही नहीं। लेकिन कुछ कुछ से मैं थोड़ा मतलब सीखा, लेकिन वो जोक लिख के रखना पड़ता है या फिर दिमाग में रखना पड़ता है। अगर कुछ चीज़ मतलब हम लोग डे टू डे काम करेंगे और फिर वो जोक हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड नहीं रहेगा ना, तो भूल जाते हैं हम लोग। कितने बार मैंने ना जोक्स मारे भी है ऑन द स्पॉट के हिसाब से भी, पर मेरे को ऐसा लगता है कि वीडियो में रखूं कि नहीं रखूं तो फिर हटा देता हूं। वैसे अपनी पब्लिक तो कैसे मतलब कितनी एज की है, 18-25 की रहेगी, 25 भी नहीं, 18-23 या फिर उससे भी बालक रहेंगे। 18-24 मेरा भी, और मेल ऑडियंस फीमेल 1-2 रहेगी शायद। मेरे में एक है फीमेल, वो मतलब ये करती है नॉर्थ ईस्ट की है। मेरे है लेकिन शायद देखते नहीं है फीमेल ऑडियंस, या शायद से लड़कों ने फीमेल रिलेटेशन नहीं है। रिलेटेबल कंटेंट उनके हिसाब से रहना चाहिए ना, लड़के लड़कियां अलग अलग इंटरेस्ट पे रिएक्ट करते हैं, भले ही कितने एनिमे बोलो एनिमे करते रहो लेकिन उनके इंटरेस्ट अलग रहते हैं। एक लड़की को मैं जानता हूँ जो एरन के एप्स ही देखती रहती है, क्या पता उसके दीवार पे ऐसा पोस्टर भी रखा रहेगा, ऐसे शर्ट ऐसे निकालते हुए एरन। तो ऐप है लाइक मैं खुद ऐप्स देख सकता हूँ। ऐप से ज्यादा देख क्या बोलते हैं ना प्रोटैगनिस्ट की, मेरे को तो पर्सनैलिटी के ऊपर देखना चाहिए, वो कैरेक्टर बोलते हैं ना, गिरना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दौड़ना भी चाहिए। लेकिन उसे भी तेरे को एग्जांपल दू ना, तो स्पाइडरमैन 2 देखिए, टोबी मैग्वायर की। हाँ, हाँ, देखिए। तो उसमें देख कैसे उसको मतलब पूरा उसका रेंट नहीं भरा हुआ रहता है, उसकी बाइक टूट जाती है बीच बीच में, उसकी जॉब चली जाती है, वो MJ का इवेंट रहता है तभी भी वो शैंपेन उठाता है, वो खाली ग्लास ही मिलता है। मतलब ऐसे स्ट्रगल जब दिखाते हैं ना, और ये सारे एस्पेक्ट रिलेटेबल रहते हैं। मतलब वो सुपर हीरो रहता है लेकिन फिर भी उसको है ना, उसके प्रॉब्लम्स डे टू डे जो लोगों के रहते हैं ना रहते हैं, और हीरो का वही रहता है। अगर तुम मतलब उसको स्ट्रगल करने में दिखाओगे ना, तो वो है ना उसके रिलेटेड सिंपैथी लगने लगती है। दैट्स वाई जोकर है ना मतलब हिट हुई है मूवी, उसमें देख मतलब वैसे ही दिखाया कि है ना उसको मारते ये करते, वो विलन है एक्चुअल DC कॉमिक्स का, कॉन्ट्रोवर्शियल विलन है वो भी, और उसके रिलेटेड है ना मतलब क्या कहते हैं मूवी बनाना और उसको मतलब एज अ सिंपथेटिक विलन दिखाना, तो वो भी एक चैलेंज ही था डायरेक्टर को, और वो हिट हो गई। बजट भी बहुत कम था लेकिन अच्छा था, ऐसे रिलेटेबल एस्पेक्ट रहना चाहिए। मूवी खतरनाक ही थी, थोड़ा डिस्टर्बिंग भी था, और साइकोलॉजिकली वो ऐसे मूवी देखने में मजे आते हैं। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई कोई एक तो मूवी को ऐसा बनाया था ना कि अगर कोई बंदा सच में रहेगा ना जिसको सोसाइटी ने इतना परेशान किया रहेगा, वो तो ये मूवी देख के फुल इंस्पायर्ड हो गया रहेगा कि कहाँ है मेरी गन, कहाँ है मेरी शॉटगन, उड़ाता हूँ किसी स्कूल में। कैसा रहता है तेरे को एक बात बताऊँ, बैटमैन और जोकर ना एक ही कॉइन के दो अलग पहलू है। या जोकर रहता है ना वो क्या होता है मतलब सिचुएशन उसके ऊपर टेक ओवर कर देती है, लेकिन बैटमैन वैसा नहीं रहता है। बैटमैन रहता है ना वो अपने फियर को एज एन ally की तरह यूज करता है, बैट से डरता है लेकिन फिर भी उसे है ना वो एज अ अपॉर्चुनिटी करके उससे राइज अप होता है। तो मेरा मतलब यही था कि वो कैसा रहता है, भले ही तुम लोग है ना विलन से सिंपैथेटिक करते रहोगे लेकिन वो ये भी रहता है ना उसके क्या बोलते हैं दूसरा साइड भी रहता है जिससे तुम ओवरकम भी कर सकते हो। बैटमैन वही एग्जांपल रहता है, वो बेन का वो वेल का सीन दिखाया ना उसमें भी वैसे रहता है, वो वेल पे चढ़ता है तो एक सिंबॉलिक रेफरेंस रहता है कि वो अपने फियर को आखिरकार ओवरकम कर देता है। जब वो वीकेस्ट स्टेट में रहता है उसकी बैक टूट जाती है, वो फिजिकली भी वीक रहता है और फिर चढ़ के ये करता है ओवरकम करता है। रॉबर्ट पैटिंसन नया बैटमैन बन रहा है, उस पर क्या विचार है आपके? ये वाला बैटमैन ना
जरा अलग है क्योंकि ये पूरा मतलब रूथलेस है, वेंजेंस के ऊपर भरा है, और ये अभी जस्ट क्या बोलते हैं वो वेल में जस्ट कूद गया है, और अभी भी वो मतलब वो ऐसा बैटमैन है ना जो रूथलेस है और अभी भी ओवरकम कर रहा है, वो जूझ रहा है उस चीज से, क्योंकि देखना वो इन जनरल रॉबर्ट पैटिनसन के बारे में क्या ख्याल है? रॉबर्ट पैटिनसन एक्चुअल में अच्छा एक्टर है, अभी वो कैरेक्टर वैसे पता नहीं, फिल्म देख के ही पता चलेगा कि वो कैरेक्टर कैसा है एक्चुअल में, अभी तक ट्रेलर में जो दिखाया है ना वो मेरे को कन्विंसिंग लगा एक्चुअल में। वही बहुत लेकिन अपना नाम बना दिया रॉबर्ट पैटिनसन ने अंडरग्राउंड बोलते ना ऐसे जो मूवीज रहती है, वरना पहले तो उसने ट्वाइलाइट का अपना पूरा नाम खराब कर दिया था। वो कैसे रहता है ना हम लोग क्या बोलते हैं वो कैरेक्टर का है ना एक पर्सपेक्टिव देखते हैं और उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से है ना उस एक्टर को देखते हैं। अभी तू मेरे को बोलेगा ना एंड्रयू गारफील्ड का, तो एंड्रयू गारफील्ड का कैसा रहता है इसमें है ना वो स्पाइडरमैन पहले दिखाता है, देख फर्स्ट अमेजिंग स्पाइडरमैन में वो काफी मतलब मैंने गारफील्ड का सिर्फ एक ही मूवी देखा है अपना, ये क्या नाम है इसका फिर ये इसके क्या नाम है उस मूवी का, द सोशल नेटवर्क देखा है मैंने। तेरे तूने आउट ऑफ द बॉक्स ही देख ले मूवी? हाँ मेरे सोशल नेटवर्क नहीं देखा है आपने? नहीं देखा नहीं है लेकिन पता है कि उसमें वो है करके मार्क जकरबर्ग के ऊपर ही है ना वो, मस्त मूवी है दिखना पड़ेगा फिर। तो कैसा है ना वो कैरेक्टर है ना, अभी मैंने एंड्रयू गारफील्ड के पहले के रोल्स नहीं देखे थे तो मैंने वो देखा और मेरे को इंस्टेंटली वो कैरेक्टर वैसे ही लगा, लेकिन अभी जब मैंने ये नो वे होम देखी है ना तो उसमें मेरे को है ना एक्चुअल में ऐसा लगता है टॉम हॉलैंड का भी वैसा ही सीन है। टॉम हॉलैंड के मैंने मूवीज देखे नहीं है ना, तो टॉम हॉलैंड का जो पहला होमकमिंग में दिखाया था ना तो उसमें वो स्पाइडरमैन स्टार्क की टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी डिपेंडेंट था, लेकिन जैसे ही अभी नो वे होम आता है ना तब अब भी एक्चुअल में ऐसा दिखने लगता है टॉम हॉलैंड को स्ट्रगल करते हुए, और टॉम हॉलैंड की जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है ना और जो इमोशंस दिखते हैं उसके चेहरे पे थिएटर में, तो अब जाके मेरे को ऐसा लगा कि भाई हाँ ये टॉम हॉलैंड भाई एक्चुअल में अभी स्पाइडरमैन बनने के कगार पे है। मैंने टॉम हॉलैंड का भी अभी तक स्पाइडरमैन नहीं देखा है, स्पाइडरमैन छोड़ के मूवी देखी है जितनी देखी है। होमकमिंग देखी? नहीं। फार फ्रॉम होम? फार फ्रॉम होम मैंने डाउनलोड की थी थोड़ी थोड़ी देखी, वो ये ना पहली मूवी थी ना उसकी स्पाइडरमैन वाली। स्पाइडरमैन होमकमिंग पहली मूवी थी, फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो है, और अभी लेटेस्ट जो आई है वो होमकमिंग देखी मैंने, वो भी पूरी नहीं देखी आधी देखी। हाँ देख लेना। मैंने उसकी वो वाली मूवी देखी है जिसमें वो और ये अपना रॉबर्ट पैटिनसन है। हाँ। और फिर उसका वो वाला भी देखा है जिसमें वो ये रहता है एलियन रहता है दूसरे प्लेनेट का रहता है ना, अपने थॉट्स उन लोग दिखा पाते इसके थ्रू। हाँ 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 बराबर बराबर, वो ऐसे काले कपड़े में रहता है ना टॉम हॉलैंड का। हाँ हाँ वो वाला मैंने ऐसे मतलब वीडियो में देखा था, वो उसके थॉट्स ऐसे रिफ्लेक्ट होते हैं और वो प्लेनेट पे पहली ऐसी लड़की आती है और हाँ वो वाला वही समझा मेरे को। अच्छा मूवी था वो भी। हाँ अभी वो वाला भी मूवी मैंने देखा नहीं था, ये कैरेक्टर इंट्रोडक्शन ही मेन ये रहता है। अभी ये एंथनी मैकी पता है? नहीं। एवेंजर में फैल्कन है ना। हाँ हाँ वो उसने पहले उसने अभी ये बारे में इशू किया था कि पहले के जो एक्टर्स रहते थे जैसे सिल्वेस्टर स्टेलोन फिर आर्नल्ड वो मतलब एक्टर के नाम पे है ना पॉपुलर हुए थे, रॉकी बिकी वो सब वो एक्चुअल कैरेक्टर और उनके एक्टर के बेसिस पे है ना उन लोग को क्या बोलते हैं रेपुटेशन मिला क्या बोलते हैं फेमस हुए वैसे, लेकिन अभी के एक्टर का वैसे नहीं होता है। अभी मेरे को टॉम हॉलैंड इसलिए पता है क्योंकि वो स्पाइडरमैन का रोल करता है ऐसा है। हाँ लोग कैरेक्टर के हिसाब से फेमस होते हैं एक्टिंग के हिसाब से। मेरे को एंथनी मैकी इसलिए पता है क्योंकि वो उसने फैल्कन का रोल किया है। मेरे को रॉकी देखी है? रॉकी नहीं देखी है रे, लेकिन तो स्टोरी थोड़ा पता चल गई, स्पॉइलर दे दिया एक ने, लेकिन रॉकी में मेरा फेवरेट पार्ट ये है जो इसमें भी है मेरा अपना पिंग पोंग दी एनिमेशन में एकदम रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है सब चीजों का। okay. उसमें भी ना रॉकी में हीरो रहता है ना वो हर बार नहीं जीतता है। और इससे जब उसका लास्ट फाइट रहता है ना तो अपने को देखते हैं ऐसा लगता है कि पता नहीं वो जीत भी सकता है हार भी सकता है, लास्ट फाइट जो मेन फाइट है उसमें भी अपने को कंफर्म नहीं रहता है, इससे ऐसा देखने में मजा आता है एंड पॉइंट तक मूवी खत्म होने तक ऐसा रहता है ना वो इंटरेस्ट बना रहता है। मैंने अभी मैं एक हाजिमे नो इपो मैंने अभी पूरा मतलब एनिमे तो देखी है मांगा नहीं पढ़ी है, लेकिन अभी उसमें मांगा में भी जो मतलब कभी कभी आता है ना वीडियो
तो उसमें वो दिखाते हैं कि दोनों साइड की तरफ से दिखाते हैं, अभी इको इपो वर्सेस सावामुरा रहेगा तो सावामुरा का भी साइकोलॉजी दिखाता है क्या है, इपो का साइकोलॉजी तब क्या रहता है, दोनों के कैरेक्टर्स कैसे रहते हैं। इपो कभी भी मतलब ऐसा गुंडा के टाइप नहीं रहता है, वो सीधा शरीफ रहता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड सावामुरा जो रहता है ना पूरा रूथलेस रहता है वो, मतलब जो सामने वाले को मारने के हिसाब से, और पूरा गुंडा मवादी रहता है उसमें। लेकिन जब वो रिंग में आते हैं और उन लोग के इमोशंस टोटल डिफरेंट रहते हैं, इपो पूरा मतलब ये हो जाता है क्या बोलते हैं बैडेस, और वो भी बैडेस पहले स्टार्टिंग में बनता है, लेकिन जब इपो ओवरकम करने लगता है ना अपने फियर को, तब ये जरा एकदम क्या कहते हैं, इसका टैलेंट होने के बावजूद भी वो फिर हेल्पलेस होता है, और लास्ट में तो भाई क्या धोया है, गजब का धोया है, डेम्सी रोल उस पे सूट करता है इपो पे। थैंक्स स्पॉइलर के लिए। अरे बता देते ना फिर यार फिर भी सावामोरा को तो लास्ट में ही है, फिर भी तुम देख सकते हो, मैंने अभी भी बोल दिया ना स्पॉइलर, तभी भी तुम तू क्या कहते हैं हजी में उन्हीं को एंजॉय करेंगे। मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड कितने टाइम पहले देखा था। अरे अभी भी देख सकते हो, मैं यूट्यूब पे अभी भी देखता हूँ हजी में उन्हीं को फ्री में डब का है ना, मैं पूरा अभी तक है ना यूट्यूब वालों ने उड़ाया नहीं है, मैं वही सोच रहा हूँ। कोई कोई बच जाता है उसके एल्गोरिथम से। हाँ अरे नहीं ये शायद अभी इसका प्रोडक्शन ही बंद हो गया ना इपो का, एनिमे का कैसे रहता है, जो ट्रेंडिंग एनिमे रहते हैं ना कंपनी जापान की कंपनी का उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है, अभी कैसे इपो का एनिमे इतना क्या कह रहे, नई जनरेशन को शायद पता रहेगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये एकदम 90s का टाइम का कार्टून था तब, और अभी मैंने जितना देखा ना मेरे को इतना पसंद आया ना, मेरे को ऐसा लगा कि ये होता है स्पोर्ट्स एनीमे, अरे ऐसे ही। और लोग हाइक्यू देख के बोलते हैं बेस्ट स्पोर्ट्स एनीमे। हाँ वही तो मतलब बोलते हैं ना वो, जिन्होंने ने हाइक्यू देखा ना मैं दावे के साथ बोलता हूँ लोगों ने और कुछ देखा ही नहीं है। अरे सच्ची में हाइक्यू का भी स्पेशलिटी क्या लगा मेरे को वॉलीबॉल का कुछ नहीं पता था, और जब मैंने देखा ना वो तब तो बोलते हैं ना वे सब पता चल गया वॉलीबॉल कैसे रहती है, थोड़े बहुत शायद पता नहीं रहेंगे मेरे को, लेकिन ओवरऑल मेरे को समझ में आ गया कि भाई कैसे रहता है, प्रेशर क्या रहता है पूरे टीम के ऊपर, एक जन का भी मिस हो गया तो फिर पूरे टीम को भुगतना पड़ता है, एक क्या कहते हैं एक कैरेक्टर डोमिनेटिंग हो गया तो कितना मतलब टीम पे ऐसा प्रेशर पूरा दिखा देते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ ना एनिमे ने मेरे लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है जितना मैं सोचता हूँ उससे ज्यादा। हाइक्यू देखने वाले ना मैंने अपने कॉलेज की वॉलीबॉल की टीम ज्वाइन कर ली थी। भाई मेरा तो क्या कहते हैं देख कैसे मेरा शायद स्पोर्ट्स में मेरा स्पोर्ट्स में था इंटरेस्ट, लेकिन बाद में सब लोग बोलने लगे ये क्या कर रहे हो पढ़ाई करो इसमें क्या कुछ नहीं रखा है, और मैंने बात मान ली क्या अभी ऐसे लोग की बिल्कुल नहीं सुनने। बताने वाला तब कौन था रे, मैं तो पहले से इन सब चीजें बहुत रेबेलियस रहा, अगर कोई मेरे को बोले ना कि ये नहीं करना है तो मैं और ही करूंगा वो चीज। मेरी तब हालत कैसी थी पता है, तारे जमीन पर का तो दर्शील रहता है ना, हाँ उसके जैसे हो गई थी, बस फर्क इतना है कि आमिर खान आ गया था उसमें, यहाँ पे कोई नहीं आया है बचाने के लिए खुद बनो आमिर खान अपनी। फिक्शन तो मतलब अलग है ना, फिक्शन में दूसरा कोई आता है बचाने के लिए, लेकिन रियलिटी में खुद को ही उठाना पड़ता है, खुद का ही वेट वही उठाना अपना पड़ता है। उठाना पड़ता है। और शायद मरते टाइम भी है ना शायद 2-3 राज सीने में ही दबा के मरने वाला हूँ ऐसा ही लग रहा है। मरने की बात नहीं करते नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ मतलब ये पेस में अगर लोग जी रहे हैं ना तो बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि मतलब क्या कहते हैं दूसरों का दिल ना दुखाया जाए या फिर कुछ बड़ी चीज ना हो जाए इसीलिए वो लोग शेयर नहीं करते रहेंगे, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। वो भी है। और मैच्योर बंदा वही रहता है जो मतलब सिचुएशन को देख के वो कर सकता है लेकिन वो करने की नहीं सोचता है, अभी मैं इतना क्या कहते हैं इतना बोल रहा हूँ ऐसे करके, लेकिन फिर रिकॉर्डिंग के टाइम पे मेरा आवाज बहुत गंदा आएगा, मैं लिख के देता हूँ। अभी तक तो अच्छा ही सुनाई दे रहा है मुझे, देखते हैं अभी रिकॉर्ड खत्म होने के बाद कैसा होता है। अरे तुझे नहीं पता रे लेकिन ट्यूशन में बहुत मेरे ये आवाज का बहुत मजाक हो गया था, टीचर भी है ना क्यों क्या बात। टीचर ही खुद जोक करके है ना बताती थी, तो बच्चे तो फिर टीचर का देख के बोलेंगे ही ना, मेरा आवाज बहुत मोनोटोनस रहता है ना, मतलब मैं ये फास्ट फास्ट बोल देता हूँ क्योंकि मैं ऐसा सोच सकता हूँ, लेकिन पहले बहुत धीरे धीरे से बोलता था, मतलब ऐसे
ऐसे करके। हाँ वो पुराने पुराने वीडियोस में भी ऐसा लगता था। हाँ और तब तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था एक्चुअल, सच बताऊँ तो मेरे को अजीब लगता था। अभी अभी जरा फिर लगता है कि हाँ ठीक है ऐसे बोलना चाहिए। हमेशा इपो में एक वो कामोगावा बोलता है, हमेशा बोलते दिमाग ठंडा रखने का और फिस्ट को गर्म रखने का, ऐसा है मतलब इंग्लिश में है वो। मुट्ठी हमेशा गर्म रखने का। Always keep your head cool and your fist hot, ऐसे करके सही डायलॉग है। ये देखा है तूने कौन सा पिक्चर, सिलसिला शायद राजेश खन्ना का। उसमें क्या होता है, उसमें शायद आशा पारेख है और राजेश खन्ना है। तो क्या करते हैं पता है, प्याज है ना ऐसा टेबल में रखता है और ऐसा मुट्ठी से है ना वो प्याज को ऐसा तोड़ता है, और है ना फिर आशा पारेख बोलती है कि है ना छुरी से क्यों नहीं काटा। तो राजेश खन्ना बोलता है प्याज का मजा खाने में तभी आता है जब उसे मुट्ठू। पहले तो बहुत सारे ऐसे जोक्स थे। मैंने ना एक और मूवी देखी थी, पता नहीं उसका हीरो का नाम कोई याद नहीं, लेकिन उसमें ना आप वो जोक सुना है क्या, कव्वे और घोसले वाला? हाँ 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 वो भी जोक सुना है। उस मूवी में था मेरे को, और मैंने वो मूवी टीवी पे देखी थी, मेरे को ऐसा लगा कि ये लोग ने टीवी से हटाया कैसे नहीं। अरे तब इतना अभी सेंसर बोर्ड ही ये हो गया, सेंसर बोर्ड खतरनाक है सब चीज में। अरे सेंसर बोर्ड ना थोड़ा जरा बायस है, सेंसर बोर्ड भी थोड़ा ये मामले में और रिलीजन के मामले में भी है थोड़ा। कोई कोई चीजें समझ में आता है, लेकिन मतलब बोलते हैं ना अगर तुमको अगर गलत चीज को रोकना तो सारी गलत चीज को रोको, ऐसा नहीं कि उसको हंसी है तो समझा छोड़ो जाने देते। नहीं रे, हर चीज का बायस रहता है आजकल के इसमें तो। न्यूज चैनल का तो मेरे को हंसने को आता है, और मुझे अभी भी हंसने को सर कि मैं उस चीज को सीरियसली लेता था करके। मैंने तो न्यूज देखने ही छोड़ दिया इस वजह से। वेस्टर्न वेस्टर्न का तो न्यूज देखेगा ना तो हंसेगा लिटरली, मतलब कुछ भी मतलब बायसनेस हर चीज में, एडवर्टाइजमेंट में भी बायसनेस आता है। अभी मैं बीस्ट बॉय शूप के वीडियोस देखता हूँ ना तो उसमें है ना बूस्ट की एड हमेशा आती है। अभी भी तू देखेगा ना तो बूस्ट की एड आएगी, देख तेरे को, पहले डेल की आती थी अभी बूस्ट की आती है ना वो देखा है एड, वो लड़की रहती है पहले बोलते कि स्टेमिना क्या गेम लड़के लड़कियों का नहीं स्टेमिना का होता है करके। मैंने नहीं देखा एड। हाँ बीस्ट बॉय शूप की अभी एक वीडियो देख लो बाद में पॉडकास्ट के बाद, तू देखेगा तो वो एड आएगी आएगी 100%। किस टॉपिक के बारे में बात करते हैं हम लोग? कैरेक्टर्स के ऊपर, एरन के एप्स के ऊपर लेके फिर बैटमैन के ऊपर गए, फिर स्पाइडरमैन, फिर एंड्रू गारफील्ड, फिर राजेश खन्ना, फिर पॉलिटिक्स और न्यूज, पॉलिटिक्स और न्यूज में आ गए सीधा। न्यूज तो मैं वैसे सिर्फ जापानीज ही देखता हूँ अभी, वो भी वेदर न्यूज। जापानीज न्यूज भाई आपकी कौन से फील्ड में आ गए? अरे अभी तो मैं नहीं देखता, लेकिन बीच में देखता था मैं जब मैं जॉब पे था ना। क्या पता है क्या, एक जापानीज यूट्यूब पे चैनल है वेदर न्यूज का, तो उसमें जो न्यूज ये ना बोल क्या बोलते रिपोर्टर नहीं बोलते, रिपोर्टर दूसरे एंकर, जो लोग न्यूज एंकर जो रहते है, तो जो लड़की है ना वो बहुत फेमस हुई थी, बहुत लोग सिम करते थे इंटरनेट पे उसका, तो सिर्फ उसको देखने के लिए मैंने चालू किया था। मैं पूरा तीन तीन चार चार घंटे का लाइव स्ट्रीम बैठ के देखता था उस लड़की को देखने। जापान की लड़कियां कैसे लगती है, मतलब चेहरे से एकदम ऐसे बच्ची जैसी लगती है, लेकिन है ना नीचे फिर उसकी हाइट और वो सब देखेगी तो मैच्योर लगेगी एकदम, ऐसे लगता है बोलते है ना काश एज में बड़े। हाँ हाँ क्या एज में छोटे दिखेंगे लेकिन रहते बड़े, आवाज ऐसे आवाज निकालेगा ना, कास्टिंग रहती है ना वो बराबर लेती है। हाँ। डबिंग बड़े लोगों की तरह रहती है और कास्टिंग है ना बच्चे जैसी ऐसे लगती है। ये गुगली खेलने में तो जापान एक्सपर्ट है। अरे नहीं नहीं उनका भी वैसा ही है ना, वो कैसा है जापान का वो मंगोल के इधर से वो हो गए आया ब्लड लाइन, मंगोलियंस थे ये सब पहले और फिर वो जाके जापानीज लोग। हाँ जापानीज लोग मंगोल, जापानीज चाइनीज फिर थाईलैंड के ये सब मंगोल्स थे पहले उनके। देख ना उनके अभी मैं रेसिस्ट नहीं बोलना चाहता लेकिन ये इवोल्यूशन ही वैसे है उनके वर्ल्ड में। तब है ना सनलाइट बहुत ज़्यादा आती थी उनके तब के टाइम पे, तो इसलिए उनके आँखें है ना ऐसे छोटी होती है कि ज़्यादा सनलाइट
ना घुस पाए करके, एवोल्यूशन है ये, इस वजह से वो होती है। वैसे हम लोग रेसिस्ट हैं, हम लोग साइंटिस्ट हैं, हम लोग साइंस की बात कर रहे हैं, एवोल्यूशन की बात। अरे पर पता है ना आजकल, पहले तो है ना कालू कालू बोलते थे ना, तब ये सब सुनने को नहीं मिलता था, भाई तू रेसिस्ट है ये है करके, पहले बोल देते थे और सब लोग हंसते। अभी 10-12 इंटेलेक्चुअल शब्द है ना पड़ जाएंगे मुंह पे, तू रेसिस्ट है, तू सेक्सिस्ट है, तू फलाना है, तू डिमकाना है, ये सब तो ऐसे होते हैं, मतलब तेरे को पता भी है क्या क्या है करके। पहले तो बिंदास क्या क्या बोलते थे लोग, अब तो कोई भी कुछ नहीं बोल पाता है। अरे स्पेशल इंटरनेट वेस्टर्न, अगर कोई सेलिब्रिटी है या कोई ऐसा पर्सनालिटी है इन्फ्लुएंशियल है, सच बताऊं वेस्टर्न चीजों ने बहुत इंडिया का बहुत बर्बाद कर दिया है, सिविलाइजेशन बर्बाद कर दी है, यंग जनरेशन बर्बाद की है। एड्स लेके आ गए इंडिया में। एड्स? हाँ वो तो, अरे पहले तो बहुत होता था, तो पहले नहीं होते अभी कैसे हो गई, क्योंकि पहले एड्स का वायरस नहीं था ना। अरे पहले तो 9-10 बच्चे होते, अभी तो 2 होते, तब भी ये हो जाता है क्या है क्या है? तो जाने दो। एवोल्यूशन। आपको पता है मलेरिया का जो वायरस भी है ना, वो पहले एकदम हार्मलेस मॉस था, एवोल्यूशन हुआ उसका और अब जाके वो एकदम इतना खतरनाक वायरस बना, सबसे खतरनाक वायरस। अभी तो उसका इलाज आ चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम तक मलेरिया ऐसी बीमारी है जो सबसे ज्यादा टाइम तक मैनमेड की वजह से ही हुआ रहेगा, मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि नहीं तब इंसान थे भी नहीं। डायनासोर के टाइम पे ना वो पानी में रहने वाला मॉस था जो सनलाइट खाता था, फिर बाद में धीरे धीरे ना वो जो रहता वो इवॉल्व होके वायरस बन गया मलेरिया का, जो दूसरों के ये पैरासाइट जैसा दूसरों के बॉडी में जिंदा रहता था और मल्टीप्लाई होता था। फिर मॉस्किटो ने उसको फैलाना चालू किया। अच्छा, ओके। और ऐसे जाके वो फैला। और हाँ, फीमेल क्या बोलते हैं वो, फीमेल मॉस्किटो ही काटती है, उसका साइंटिफिक नेम भी है फीमेल एनाथोपोलस मॉस्किटो करके, ऐसे एक नाम तो था साइंस के बुक में भी था पहले। और ना आजकल की एजुकेशन सिस्टम भी है ना खतरनाक है, ग्रीक नाम क्यों जानने है? मेरे को ये समझ में नहीं आता ग्रीक नाम को, अभी कूल लगता है ग्रीक नाम, वैसा लगता ना अगर मैं भी किसी चीज का नाम रखूंगा ना तो सर्च करके ग्रीक या लैटिन में रखूंगा, ग्रीक और लैटिन में हर चीज इतनी कूल साउंड करती है। तेरे दिमाग की मार्केटिंग बोल रही है, तू नहीं बोल रहा है, सच बताता हूँ। इंग्लिश का भी है ना वैसा ही सीन है, पहले इंग्लिश है ना किसी को नहीं आती थी, जब मैकॉले बोला ना कि ये सब तुम लोग मतलब इंग्लिश पढ़ो ये करो करके, एजुकेशन सिस्टम भी इंग्लिश हो गई ना, तब है ना उनकी मार्केटिंग है ना इधर की हो गई करके, ये सब बोलते हैं ना वेस्टर्न की मार्केटिंग है। वरना तू अच्छा कोई वर्ड बोलो, क्या मतलब कोई वर्ड बोलो ग्रीक का, कोई भी हिंदी वर्ड बोलो। हिंदी वर्ड बोलू? बंदर। हाँ बंदर ना। क्या कर रहे हो? गूगल ट्रांसलेट में सर्च कर रहा हूँ। क्या सर्च? कि उसको लैटिन या ग्रीक में क्या बोलेंगे अपने, क्योंकि लैटिन और ग्रीक में ना सब ऐसा सुनाई, ऐसा लगता है ना कूल सुनाई देता है, ऐसा नहीं रहता है रे। क्या तू अगर फंडामेंटली देखेगा ना कि किस ओरिजिन कैसा हुआ क्या हुआ, तो हंसेगा, और वेरेज तू संस्कृत में देखेगा ना तो वो सुन के भी है ना थोड़ा तेरे को लगेगा कि मिसलीड हुआ है करके, तू दिख तेरा अभी ऐसा आवाज ब्लैंक ही होता है, कुछ सुनाई नहीं देता। थोड़ा पीछे आता हूँ ना मैं, क्योंकि मैंने माइक टेबल पे रखा है, मेरा ये वाला माइक अलग है, स्टैंड वाला नहीं है, जो टेबल पे रखा है वो है। हाँ अभी मेरे को बोलने के लिए थोड़ा आगे आना पड़ रहा है, और मैं फिर थोड़ा जब सोचता हूँ या थोड़ा पीछे आता हूँ ना तो शायद आवाज कम होता रहेगा। ओके चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है चलो। फ्यूचर प्लान्स यूट्यूब को लेके, वैसे हम लोग इसको इसी में डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर अभी और डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या बे, सच बताऊं तो मेरा तो अभी पता नहीं, मैं तो कंटिन्यू ही करने वाला हूं, अभी जब तक जॉब मिलती है तब तक तो एटलीस्ट मेरा तो यही चालू रहेगा, लेकिन फ्यूचर में पता नहीं जॉब मिले तो टाइम दे पाऊंगा कि नहीं, और मैं तो बहुत बड़ा बच्चा हूँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया हूँ। जॉब तो मैं भी करने वाला हूँ, क्योंकि जॉब करना कितना फन है, मजा आता है जॉब करने में। तेरा जॉब लेकिन तेरा मेरे को ना ऐसा हिसाब से वो भी है, इंटरेस्ट का जॉब भी चाहिए। मैं लेकिन मैंने अभी तक जितना भी जॉब किया है ना, मैं जो भी काम करता हूँ ना मैं उसको एंजॉय करता हूँ। तेरा बात अलग है, मेरा बात शायद अलग रहेगा। लेकिन फिर भी ना मेरे को ऐसा यूट्यूब को ना साथ साथ में कंटिन्यू करना है, क्योंकि मैंने इतना टाइम भी दिया इसको ऑलरेडी, तो मैंने इसको वेस्ट नहीं करना चाहता। नॉलेज है थोड़ा, इसीलिए तू मतलब स्क्रिप्टिंग में नॉलेज डाल के ये कर सकता है। एनिमे से रिलेटेड मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है, बस मैं कैरेक्टर को ज्यादा से ज्यादा देख के उसको डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन फिर
लोग बोलेंगे कि यार बोर होगा करके, कैरेक्टर के बारे में भी क्या जानना है, हम लोग को एनिमे देखने से मतलब ऐसा ही रहता है। इंटरेस्टिंग वे में मैं इसमें लैक करता हूँ कि इंटरेस्टिंग वे में कैसे टॉपिक को प्रेजेंट करे। और सबसे मेन तो एक स्टाइल होता है अपना वीडियो का, एक स्टाइल ढूंढना कि कैसे टाइप के वीडियो बनाने, मुझे कैसे स्टाइल से प्रेजेंट। गेम्स का तो देख, गेम्स सब लोग, सभी बच्चे खेलते हैं गेम्स, लेकिन कमेंट्री रहती है देख, बीस्ट बॉय शूप की कमेंट्री कैसी, उसकी आवाज देख, तू ऐसा फन लविंग क्यूट सा बच्चा ऐसा बोल रहा है कि खेल रहा है, उसके वो बड़ा हो गया है देख, लेकिन उसका वॉइस से लग रहा है कि अभी भी वो बच्चा है, मतलब एंजॉय करने वाला, वो गेमिंग एंजॉय करने वाला बच्चा रहता है ना, ऐसे लगता है। हाँ। वैसे करके और वो सब सुनने में अलग, और उसके नए नए शब्द भी किसी ने सुने नहीं होंगे, जैसे बेस की टैट, फिर अरे मर जाने, पढ़ ले पकड़ ले करता है। मैं देखा तो नहीं उसका कोई भी वीडियो, अभी वो डालता नहीं है ना वीडियो, इसीलिए मेरे को जरा कुछ ज्यादा ही याद आने लग गया। तो बाकी की भी उसके सीरीज देखी, नियो करके थी ना वो सीरीज, उसमें तो कितनी बार वो रेज गेम थी एक तरह से, तो उसमें वो देखता था उसको, कितना उसमें भी रेज हो गया था वो। एक और चीज मेरे को पूछना था। हाँ। वो था कि इतना टाइम हो गया आपको चैनल बनाए, आपने अपने चैनल में इतना कम कोलैब क्यों किया है, एकदम ना के बारे में, सिर्फ मेरे साथ ही किया मेरे ख्याल से, और एनिमे वाज के साथ किया है भाई, और तो मेरे को याद नहीं आ रहा। कोलैब करने को ना, अब पहले भी शायद है ना कर सकता, अभी भी तो, अभी देखो ये अभी टाइम मिला है इसीलिए कर सकता हूँ, लेकिन अभी कैसा हो गया है ना, मेरे चैनल का रीच भी कम हो गया और तुम सब लोग मेरे से आगे निकल गए हो सब्सक्राइबर के मामले में और व्यूज के मामले में, तो कोई मेरे से कोलैब करेगा ही क्यों, ये भी सोच लो ना। ऐसा नहीं करने को कर सकते, मैं खुद मतलब मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मैंने खुद किसी के साथ कभी कोलैब नहीं किया, लेकिन ऐसा क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं, लेकिन कैसा रहता है जो बड़े यूट्यूबर्स रहते हैं ना, उनके दिमाग में पहले ऐसा ही रहता है ये सब कि ये, और जो मतलब अभी जो छोटे यूट्यूबर हो गए वो बड़े यूट्यूबर का ही देख के सोचेंगे ना कि भाई ये बंदा भी एक टाइम छोटा था और फिर अभी ये ऐसे कर करके फिर वो बताएगा, वो ऐसे करेंगे ना, तो उस हिसाब से ही करते हैं। मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसा कोलैब नहीं किया तुम्हारे अलावा और एनिमे लवर के अलावा, और वो भी सिर्फ पॉडकास्ट में। मेरे को लगता है ना कोलैब मतलब ये तो होता है ऐसा बैठ के बात करना या साथ में कुछ ऐसा कंटेंट बनाना, वरना टॉप 10 टॉप 5 ऐसे कंटेंट मेरे को कभी ऐसा ना ही पसंद है देखना ना ही इंटरेस्ट था बनाने में, इसलिए मैं कभी किसी के साथ कोलैब भी नहीं करता क्योंकि मोस्टली लोगों का यही रहता है टॉपिक। हाँ ये भी रहता है कोलैब का, ऐसा भी रहता है कि अभी हम लोग क्या अपने हिसाब से डालते हैं वीडियो बनाते हैं, पर अगर कोलैब कर रहेंगे तो फिर उनके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। चैनल भी था ओटाकू इंडिया करके, उसके साथ भी ऐसे ही कोलैब था मेरा, एक टॉप 10 करके था, तो उसमें कैसे उनकी थोड़ी जरा बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेट में थे ना, कोई दिल्ली में था कोई नॉर्थ ईस्ट का था, तो जरा उसमें ये होती थी। नहीं कोलैब मैंने किए है बहुत दूसरों के चैनल। हाँ दूसरों के चैनल पे किए है तेरे साथ, सबसे पहला कोलैब तो शायद तेरे साथ ही था। कौन सा वाला मेरे को याद भी नहीं, कौन सा वाला कोलैब, वेदरिंग विद क्यू का था, नहीं उससे पहले भी शायद किया था पॉडकास्ट ही किया था, और अभी तो भाई ये ऐसा मेरा माइक भी बहुत खतरनाक था और मोबाइल से था। हाँ। अभी कैसे जरा हम लोग ने सबसे पहले मेरे ख्याल से, मैं अगर किसी यूट्यूबर यूट्यूबर से मतलब मिला हूँ ना मेरे क्या कहते चैनल के थ्रू ऐसे, तो तुम ही हो। मैं कहाँ यूट्यूबर हूँ भाई, 4K हो गए अभी आपके होने वाले हैं, मतलब 4K ज्वाइन बटन आ गया आपके ऊपर तो अभी वो तो बस ऐसे बोल ना बोल, इससे थोड़ा कोई यूट्यूबर बन जाता है। अरे तो हो गया ना, मैं तो अभी भी ऑडियंस का ही पार्ट, दुकान हो गई और पेमेंट का भी ऑप्शन हो गया अभी ज्वाइन का। मेरे को ना ये हंसने को, पहले डायनो बेबी का था ना, तब पेमेंट का ऑप्शन शायद इतना नहीं था यूट्यूब का, मतलब क्राइटेरिया रहता था, ये क्या करता था डायनोमो, और शायद डायनोमो ही नहीं स्टार्ट किया था, पेटीएम का नंबर सीधा कोने स्क्रीन में रखो, और मैं सोचता था भाई ये आइडिया मेरे को क्यों नहीं आया करके। वही पेटीएम का लेकिन ना नुकसान क्या पता है क्या, जिस वजह से उन्होंने बंद किया, क्योंकि पेटीएम ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर यूट्यूब ज्वाइन बटन से लोग अगर करेंगे ना, या फिर यूट्यूब में कोई ये भेजेगा ना क्या बोलते हैं सुपर चैट, तो उसने जितना भेजा है ना उसका 30% यूट्यूब रख लेता है, यानी अगर किसी ने 10 रुपए भेजा आपको सुपर चैट, तो यूट्यूब
3 रुपया रख लेगा आपको सिर्फ 7 रुपया आएगा। ये भी एक सीन है। तो इसमें लोग पहले नहीं करते, लोग अपना ये देते थे नंबर, लेकिन बाद में लोगों ने देखा कि हैक होने लगा लोगों का पेटीएम, लोगों के पैसे जाने लगे, तो इसलिए ना चाहते हुए उन लोगों ने इसी को अपना ऑप्शन बना के चला सुपर चैट का। हाँ, पर ये मेरे को फिर बाद में लगा कि यार ये लूट रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा ठीक है चलो वो सेंटिमेंट्स भी रहते हैं सब्सक्राइबर के कि भाई हाँ ये ऐसा है करके, ठीक है एंजॉय कर लो फिर, लेकिन बाद में फिर वो एक तरह का ऐसा बिजनेस लगने लगता है। से क्या कर सकते हैं उन लोग भी अपना, उन लोग को भी बोलता ना ये उनका जॉब बन चुका है, बहुत सारे जने जो लोग अभी भी टाइम पास के लिए करते रहेंगे, पर बहुत जने जॉब छोड़ के इसको अपना जॉब बना दिया, तो उन लोगों को भी तो ऐसा चाहिए। भाई जॉब करते हैं और ये यूट्यूब भी करते हैं, मतलब उनका कंटेंट इतना तगड़ा है करके। तुझे मुंबई कर निखिल पता है, अभी उसका बिजनेस है, तो बिजनेस करके मोटो व्लॉगिंग करता था इतना मतलब, और वो कैसा था बॉडी भी में भी था, 6 फुट हाइट था, और 6 फुट हाइट जिनके होते हैं ना उनका अच्छा खासा मतलब क्या कहते हैं, वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक है ना स्टेडीली काम कर सकते हैं ऐसा मतलब रिसर्च बोलते हैं, पता नहीं एक्चुअली, लेकिन मेरे जितने भी मिले मैंने देखे लोग आजकल कुछ भी रिसर्च करते हैं, कोरोना वायरस का इलाज तो निकाल रहे नहीं है, इसका ये रिसर्च कर रहे हैं उन लोग कितने फुट के लोग कितना टाइम तक काम कर सकते हैं। ये बाहर का रिसर्च है ऐसे, मतलब पहले था ऐसे अमेरिका, पहले पता है 6 फुट हाइट उनकी एवरेज रहती थी, लेकिन आज अमेरिका है ना सबसे फैटेस्ट कंट्री में से आती है, और हाइट अभी कम हो गई उनकी, वही सब पूरा पेट में चला गया। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि एक जगह पे पेट पे ऐसा आ गया, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मतलब हाथ भी जाड़े हो जाते हैं, पैर भी जाड़ा हो जाता है, पीठ बीट सब पिछवाड़ा से देखते हैं, मोटे भी हो गए, चश्मे भी पहनते, घर में बैठ के एनिमे देखते, टकले भी हो गए हैं, नर्ड कहीं के दिखने में, देख वो सब वो ऐसा ठीक है, लेकिन पूरे क्या कहते हैं स्लगिश बिहेवियर अच्छा नहीं रहता है वो। वर्कआउट करो, जिम जाओ, थोड़ा एटलीस्ट मेंटेन करो ना, और फिर वो जाड़े हो जाते हैं, और फिर ये भी करते हैं क्या कहते हैं अपना दोष फैट का है ना, वो इनको बोलेंगे ना फैट का है करके, तो बोले फैट शेमिंग करते हो, तो फिर दूसरा वर्ड लाते हैं प्लस साइज अदर देन ये ऐसा करके वर्ड्स भी उनके इधर है करके। मैं बोला मान लो ना, यूफेमिज्म क्यों इतना फैला रहे हो, वही आलसी हो मान लो मान ले, क्योंकि खुद को जब रियलाइज होता है ना कि हाँ भाई मैं गलती ये कर रहा हूँ ना, तभी वो फर्स्ट स्टेप रहता है कि तू इम्प्रूव कर सकता है। अभी मैं भी मानता हूँ देख भाई जॉब नहीं है कुछ, तो फिर क्या कहते हैं, मैं भी मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इंटरव्यू दे दूँ, फेल हो रहा हूँ ये हो रहा हूँ ठीक है, पर एटलीस्ट इंटरव्यू तो दे ही सकता हूँ ना कि बाबा दे दे करके, ये ट्राई करते रहना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत लंबा पॉडकास्ट बन चुका है, मेरे को एडिट करने में हालत खराब होने वाली है तो क्या करते हैं, एंड करते हैं पॉडकास्ट को इधर, एंड करते हैं कुछ ज्यादा जो बातें करते हो तो कुछ ज्यादा ही ऑफ टॉपिक हो गए ये पॉडकास्ट, ऐसा ही चाहिए मुझे पॉडकास्ट, ठीक है देखने वाले को भी मजा आना चाहिए, अपने बारे में पता चलना चाहिए, टॉपिक्स तो क्या है लोग देख लेंगे। अभी ऑप्शन आता है क्या कि टाइमलाइन नीचे जो स्क्रोल रहता है ना वो देख, डिवाइड करके ऐसे आता है एक एक सेक्शन का वीडियो, ऐसा आता है अभी तेरे में? हाँ वो तो पहले से आता है, उसके ऐसा कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में खुद से डालना पड़ेगा। मैं डाल के देखा कभी हुआ नहीं मेरा, होता है वो मेरा भी, मैंने बहुत पहले किया था, होता है ठीक है देखना पड़ेगा, मैंने देखा वो डिस्क्रिप्शन में 116 फिर 2 फिर वैसा करके नहीं होता है, मेरा तो हुआ था, मैं ट्राई करता हूँ इसमें भी दोबारा, ठीक है देख लेना वो मतलब करोगे ना तो अच्छा रहेगा व्यूअर्स के लिए भी, और डिस्क्रिप्शन में ऐसे डाल देना कि ये सेक्शन में ये है करके, बहुत टाइम बच जाएगा उनका। हाँ वही ना, चलो फिर इसको बंद करता हूँ, आउटर बोलता हूँ, चलो तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे, और अगर आपको ये फिर मिलेंगे अगली बार, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और स्नूजी ट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। Yes. और आज का वीडियो स्पॉन्सर्ड था हेल्दी फाइव मी की तरफ से, नहीं जस्ट किडिंग आगे लोग कौन बोल रहे इतने स्पॉन्सर रहेंगे कि जो आप 2 वेले लोगों के लिए स्पॉन्सर करेंगे वीडियो, ओके एनी विच वेज थैंक यू फॉर द वीडियो, तब तक के लिए पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए भाई, तू थैंक्स मेरे को इनवाइट करने के लिए, चलो भाई तो चलिए फिर तो यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए बाय चाओ।